हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट नंबर 9। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 8 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने उन पार्ट्स के अंदर कवर किए हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 9 में कई इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉस्ट, डिस्काउंट और रिबेट का मतलब क्या होता है। तो आज के टॉपिक्स हमारे ये रहेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंपल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। रिसिप्ट का मतलब हम लोग समझने वाले हैं। रिसिप्ट का मतलब क्या है कि रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अगर कोई पैसा मिल गया तो उसे हम कहते हैं रिसीव्ड, और अगर कोई पैसा हमने कमा तो लिया है पर वो हमें मिला नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं रिसीवेबल। फॉर सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज, कोई भी बिजनेस वाला अगर अपने गुड्स को बेचकर जो जिसमें वो डील करता है, जैसे फर्नीचर वाला फर्नीचर में डील कर रहा है, गारमेंट्स वाला गारमेंट्स में डील कर रहा है, ग्रोसरीज वाला ग्रोसरीज में डील कर रहा है, तो उसे बेचकर उसके पास जितना भी पैसा आएगा उसको हम लोग कहते हैं रिसिप्ट। तो गुड्स हो गया सर्विस। अब जो बंदा सर्विस में डील करता है, डॉक्टर सर्विस में डील कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस में डील कर रहा है, तो जो बंदा सर्विस में डील करता है सर्विसेज देकर जो पैसा आएगा वो भी उसका क्या है, एक तरीके से रिसिप्ट है। लेकिन कई बार हम अपने असेट्स भी बेच देते हैं। ग्रोसरीज वाला उसका एसी पुराना हो गया, उसने बेच दिया उठाकर। कोई बंदा अपनी शॉप के अंदर नए फर्नीचर लगवा रहा है तो पुराने फर्नीचर उसने उठाकर बेच दिए। तो कई बार हम अपनी असेट्स भी बेच देते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई बिजनेस वाला अगर अपने असेट्स को बेचता है और अपने गुड्स को बेचता है और अपने सर्विस को बेचता है और कोई पैसा उसको रिसीव हो जाता है या फिर उसने बेच दिया पर उसको अभी तक पैसा नहीं मिला यानी कि रिसीवेबल मिलने वाला है, तो उसको हम लोग रिसिप्ट की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। असेट्स, गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो भी पैसा आया है या आने वाला है उसको हम लोग कहते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक ऐसी रिसिप्ट जो आपको डेली बेसिस पर मिलती है या रेगुलर मिलती है जो आपको बिजनेस में रेगुलर मिलेगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, वो रिसिप्ट जो आपको रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलती, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ग्रोसरीज वाला डेली बेसिस पे ग्रोसरीज बेचेगा जो पैसा आएगा उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। गारमेंट्स वाला गारमेंट्स बेचकर जो भी रेगुलर बेसिस पे पैसा आएगा वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। डॉक्टर्स इलाज करते हैं तो जो भी उसके पास फीस रेगुलर बेसिस पे आती है वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट आपने समझ लिया, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि एक डॉक्टर ने अपनी दुकान के अंदर एसी लगा रखा है, तो वैसा तो उसका काम क्या है कि मरीज का इलाज करना और उससे जो पैसा आएगा वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस में मिलता है। अब वो एसी चेंज कर रहा है तो पुराना एसी बेच रहा है तो उससे जो पैसा उसके पास आएगा वो उसका एक कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। अगर किसी बिजनेस वाले ने अपनी बिल्डिंग ही बेच दी, मान लो अपना ऑफिस चेंज कर रहा तो उसने अपनी पुरानी बिल्डिंग बेची और नई बिल्डिंग में अब वो शिफ्ट हो रहा, तो जो पुरानी बिल्डिंग बेचकर जो उस पर पैसा आएगा वो उस तरीके उसका क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब एक ऐसा पैसा जो आपके पास कभी कभी आता है, ठीक है, तो इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के नेचर का पैसा होता है, जैसे गारमेंट्स वाले के लिए गारमेंट्स बेचकर जो पैसा आता है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पैसा है, ठीक है। तो से अगेन सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने अपने बिजनेस का पैसा निकाल कर कहीं पर फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो उसका जो इंटरेस्ट है वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, तो वो भी एक तरीके का आपका क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा सोर्स ऑफ रिसिप्ट होता है जो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता है, ठीक है, चाहे वो गुड्स से हो, चाहे वो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से हो, चाहे वो आपने अपने बिजनेस का पैसा निकाल कर कहीं इन्वेस्ट कराओ तो उससे हो रहा हो। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक ऐसा पैसा जो रिसीव हो चुका है या रिसीव होगा अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन रेवेन्यू नेचर, कह रहा है जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है यानी कि जो रेगुलर नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपने अपनी मशीन को सेल कर दी जिससे आप काम करते थे, आपने अपनी बिल्डिंग सेल कर दी, आपने अपना फर्नीचर सेल कर दिया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, ठीक है, या फिर आपने क्या करा कहीं से लोन ले लिया, तो लोन क्या आप डेली डेली लेते हो, तो लोन लेना भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर हो गया, तो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जहां से भी किसी बिजनेस वाले को पैसा आता है आप क्लासिफाई करने की कोशिश करना रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होता है, कैपिटल। पहचानने का तरीका, रेवेन्यू रिसिप्ट रेगुलर बेसिस पे मिलता है और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है, और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो बिजनेस नेचर का नहीं होता और ये क्या होता है, हमारे को कभी कभी रिसीव होता है, रेगुलर बेसिस पे रिसीव नहीं होता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड्स हम सीखने वाले हैं कॉस्ट का मतलब, डिस्काउंट का मतलब और रिबेट का मतलब। सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्पेसिफाइड आर्टिकल
प्रोडक्ट और एक्टिविटी, किसी आर्टिकल को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में और किसी भी एक्टिविटी को करने में जो भी खर्चा आता है उसे हम लोग कह देते हैं भाई कॉस्ट। ठीक है, एक्टिविटी मतलब आप बोल सकते हो टीचिंग करना एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसी तरह डॉक्टर एक एक्टिविटी करता है, मतलब जो सर्विस नेचर के लोग होते हैं वो एक्टिविटी करते हैं तो उनको भी तो खर्चा आता है, उन्हें भी मकान का बिल पे करना पड़ता है, उन्हें भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करनी पड़ती है। अगर कोई फैक्ट्री वाला, कोई कारखाने वाला कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई आर्टिकल बनाते हैं, आर्टिकल मतलब कोई स्पेशल चीज़ जैसे पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, उसमें भी तो खर्चा आता है। तो कोई आर्टिकल बनाओ, कोई प्रोडक्ट बनाओ, कोई एक्टिविटी करो, सब में कुछ ना कुछ खर्चा आता है और इस खर्चे को हम लोग कह देते हैं, सारे खर्चों को जोड़कर हम बोलते हैं कॉस्ट आ रही है। ठीक है, एक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेस। जब भी कोई सामान हम बेचते हैं और उसके प्राइस में कुछ पैसा कम कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कॉस्ट। इट मे बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, किसी भी प्रोडक्ट आर्टिकल और सर्विस के प्राइस को कम कर देना, जो प्राइस है उससे प्राइस कम चार्ज करना हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्काउंट। जैसे लाइक हम लोग कोई कपड़ा खरीदने के लिए गए, 500 रुपये की शर्ट है, दुकान वाले ने 450 की दे दी, इसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट जो होता है इसका मतलब होता है कि जो प्राइस है गुड्स का, जो प्राइस है उसके अंदर रिडक्शन कर देना, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो तरीके का, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट बहुत नॉर्मल डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट कहता है, ये डिस्काउंट सभी लोगों को मिलेगा जो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी खरीदेगा या स्पेसिफाइड अमाउंट तक सामान खरीदेगा। जैसे हम होलसेल में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, होलसेल में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती है, लेकिन शर्त क्या होती है कि भाई आपको 12 पीस खरीदने पड़ेंगे, आपको 100 पीस खरीदने पड़ेंगे, या फिर होलसेल में कंडीशन क्या होती है कि आपको कम से कम 2 लाख रुपये का सामान खरीदना पड़ेगा, 3 लाख का सामान खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट मिलता है एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी खरीदने पर या स्पेसिफाइड अमाउंट का सामान खरीदने पर तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। अगर आप किसी सर्टेन क्वांटिटी और सर्टेन वैल्यू में सामान खरीदोगे जो कि सेलर के अकॉर्डिंग होगा तो वो आपको जो डिस्काउंट देगा उसे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा भाई, अगर ये एक पेन खरीदोगे तो 5 रुपए का, लेकिन अगर आप 12 पेन खरीदोगे तो एक पेन आपको 3 रुपए का पड़ जाएगा, लेकिन 3 रुपए का तभी पड़ेगा जब आप 12 पेन खरीदोगे। तो इस डिस्काउंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस डिस्काउंट को हम लोग कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये वाला डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं किया जाता, इसलिए नहीं शो किया जाता। ये डिस्काउंट तो सभी को मिलेगा जो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी और वैल्यू तक क्या करेगा, गुड्स को खरीदेगा। एक होता है कैश डिस्काउंट, ये स्पेशल डिस्काउंट है, इसे बुक्स में शो भी किया जाता है। इट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ड्यू टू ड्यू अमाउंट। कह रहा है कि अगर ड्यू अमाउंट की टाइमली पेमेंट की जाती है तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। देखो बिजनेस के अंदर ना दो तरीके के सामान खरीदने वाले कस्टमर आते हैं, एक आएगा जो हमसे कैश में सामान खरीदे, एक उधार में। अब उधार वाले के लिए और कैश वाले के लिए कुछ अंतर तो होना चाहिए। उधार वाले ने सामान 1 लाख का खरीदा और वो 3 महीने के बाद हमारे को पेमेंट दे रहा है, और एक बंदा आता है कैश में सामान खरीदता है 1 लाख रुपए का और ऑन द स्पॉट हमारे को पेमेंट कर रहा है। तो जो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा है उसको हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो देना चाहिए, ऐसे डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट टाइमली पेमेंट पे या फिर उसी टाइम पेमेंट देने पर दिया जाता है। इट इज द एक्सपेंस फॉर अलाउइंग पार्टी, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हम कैश डिस्काउंट देते हैं, हमारी अगर हमारा बिजनेस कैश डिस्काउंट देता है तो हम उसको खर्चा मान के चलते हैं। कैश डिस्काउंट एक तरीके का खर्चा होता है, इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट बहुत ही नॉर्मल डिस्काउंट होता है जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी और वैल्यू तक खरीदने पर दिया जाता है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक होता है रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट दोनों अलग अलग चीज़ें। हम किसी दुकान पर एक शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, ध्यान से समझना, शर्ट है 500 रुपये की, हमने बोला उससे जिद करके हमने 450 लगवा दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे डिस्काउंट, ये एक नॉर्मल डिस्काउंट है। लेकिन हम शर्ट खरीदने के लिए गए, शर्ट पे नीचे हल्का सा कट लगा हुआ था, अब हमने उस कट को देख लिया, हमने बोला भैया ये शर्ट तो आपकी कोई नहीं खरीदेगा, इस पे कट लगा हुआ है। अब दुकानदार को भी दिख गया, यार मेरा तो ये पीस खराब हो रखा है, इसमें थोड़ा सा कट लगा है, पर हमने बोला भाई हम इससे काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को आदत है, थोड़ा सा फटा हुआ पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शर्ट कितने की दे रहे थे हमें, 500। भाई एक काम करो, इस शर्ट को अगर आप हमें 250 में दोगे तो ही हम लेंगे। दुकानदार को लगा यार ये तो 250 में लेने के लिए तैयार हो गया, अगला बंदा कोई आएगा वो तो लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो दुकानदार ने हमें
कम पैसे करके उस शर्ट को निकाल दिया, उसे लगा कि भाई आगे क्या पता है शर्ट बिके ही ना, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं रिबेट। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अलाउड पार्टी टू सेलर बाय द सेलर। इट इज अलाउड फॉर द रीजन फॉर अदर देन विच ट्रेड डिस्काउंट। कह रहा है कि ये एक तरीके का ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, लाइक डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। हो सकता है कि आपका सामान कुछ पुअर क्वालिटी का हो, इसलिए आपने उसमें कुछ रिडक्शन दे दिया, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं रिबेट, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर हमने कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज हमने कवर कर लिए, रिबेट तक हमने कवर कर लिया है। तो एक दो क्लास इसकी और रह गई जिसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके छूट रहे हैं, वो हम कवर करके फिर ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे।